पुलिस मुख्यालय द्वारा पर समय समय पर चलाए जा रहे अभियानों में जिनमें मादक पदार्थ, आबकारी पदार्थ, अवैध हथियार, जाली नोटों की तस्करी करने वाली जो गैंग है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सबको जीत किया हुआ है। इसमें एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर और एसएचओ कोतवाली एनएसएचओ के उसमें मार्गदर्शन में निर्देशन में कल की घटना है कि सुरेश जो व्यापारी हैं उनके यहाँ पर दुकान में भीड़ थी तो किसी लड़के ने उनको खिलौना लिया और 500 का नोट किया, जिस पर भीड़ न होने भीड़ होने की वजह से जल्दबाजी में उन्होंने देखा, लेकिन कुछ अंतराल में जब उसने नोट रखने लगा तो उसने जब हाथ में उसको लिया उसको कुछ महसूस हुआ और उसने पुनः चेक किया तो उसको वो नोट नकली सा लगा। तब तुरंत दौड़ कर जो है हमारे इंचार्ज मदार चौकी के भगवान सिंह उनके पास आया, फैसला कुछ लड़के हैं, तीन लड़के मेरी दुकान पर आए थे और हो सकता है वो नकली नोटों का कारोबार कर रहे हों क्योंकि मुझे ये नोट दिया ही है मुझे नकली प्रतीत होता है। जिस पर तुरंत एसएचओ को सूचना हुई और टीम ने जो है पास पास के इलाके में तलाशी शुरू की तो मुंदड़ी मोहल्ले की तरफ उनको जाने का उन्होंने कहा, जिस तरफ वो लड़के यहाँ से गए थे तो कुछ दूरी पर उनको वो लड़के कहीं खड़े दिखाई दिए तो उसने खेला गया कि तीनों लड़के मेरी दुकान पर आए थे जिनको थाना लाकर उनकी पूछताछ की गई और तलाशी ले ली गई। तो एक के पास अब्बास के पास 45 नोट 500-500 के मिले, हसन और मौसम खान के पास 500 के 10-10 नोट मिले और सत्तार खान के पास 500 के 25 नोट मिले जो वेरीफाई करने पर सभी जाली नोट बैंक से बुलाकर कर्मचारियों को उनको दिखाए तो उन्होंने उनको जाली होना बताया। तो आप ये देखें तो कुल 45 प्लस 25 प्लस 10 80 नोट होते हैं जो 540,000 के नोट जो भारतीय जाली मुद्रा उनके पास थी, जिस पर उनको के बारे में पूछा गया, पूछा जाकर उनको जो है भारतीय जाली मुद्रा कैरी करने और चलाने के जुर्म में जो है इनको गिरफ्तार किया गया। इन तीनों के जो नाम है वो अब्बास पुत्र श्री हसन खान जाति मेव मुसलमान उम्र 26 वर्ष गांव बड़ी पोखर पुलिस थाना रामगढ़ जिला अलवर, दूसरा उसका भाई है सत्तार खान उसकी उम्र 21 वर्ष है वही बड़ी पोखर का है, और तीसरा हसन खान उर्फ मौसम खान पुत्र हिम्मत खान जाति मेव उम्र 28 निवासी खोरा पुलिस थाना किशनगढ़ पास अलवर कैपिटल तिजारा, ये तीनों हैं। इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड वहाँ पूछवाया गया तो एक जो ये हसन खान है उसके खिलाफ वहाँ पर 11 और 2010 में दो मुकदमे जो मारपीट के हैं उसके खिलाफ मुकदमे वहाँ पाए गए हैं। तो कार्रवाई में जो पुलिस टीम ने जो कार्य किया है एसएचओ वीरेंद्र सिंह कोतवाली, भगवान सिंह एसएचओ अपने मदार गेट, रणवीर सिंह एसआई साइबर सेल जो उनके साथ अन्य मुलाजमान संतराम करतार सिंह लोकेश श्रवण राम कुलदीप सिंह सुनील कांस्टेबल इत्यादि ने इस टीम में रहकर ये अच्छा कार्य किए, क्योंकि नोट बहुत ही उच्च क्वालिटी के और उसमें केवल पकड़ इसलिए आई कि वो जब नोटों की सीरीज देखेंगे तो एक ही सीरीज थी, एक ही सीरीज के सारे नोट होना अपने आप में संदेह क्या कन्फर्म ही कर देते हैं कि नोट नकली हैं, बट उनकी क्वालिटी और उनका जो मेक नकली नोट को असली नोट के बगल में रखें तो आपको महसूस नहीं होगा कि दोनों नोट में फर्क क्या है। ये कोई जो रेगुलर पारखी आदमी जो होता है जो रेगुलर नोटों में डील करता है वही बैंक का अधिकारी ये बता सकता है कि नोट नकली हैं। अब ये कहाँ बने, कैसे बने, किसने लिए, कहाँ से बेचे, कहाँ आगे बेचने के थे, ये इनकी एक मॉडल ऑपरेंडी होती है कि जो नोट बनाता है वो नोट मार्केट में चलवाता है, कॉन्फिडेंस क्रिएट करवाता है कि देखो हमारा नोट नकली नहीं है असली के बराबर है आप चला के देखिए। जब ये नोट की कन्फर्मेशन हो जाती है यहाँ से नोट बिल्कुल बढ़िया चल रहा है और अच्छी क्वालिटी का है तो फिर उसकी जो है आगे फिर डीलिंग होती है नकली नोटों की खेत की।
इसमें उनकी आगे जो है नंबर वगैरह उनको तलाशा जा रहा है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाना था, किसके पास थे, तो और भी कोई इनके साथी हों, सबके बारे में डिटेल में दी जाएगी। कितने मौत कुल उनके पास पोजेक्शन से जो है एक नोट उन्होंने दुकान में चला दिया था, उसको मिलाते हुए टोटल 80 नोट हैं, एक के पास 40 थे, एक के पास 25 थे, एक के पास 10 थे, और चूंकि इन सभी से भी एक ही थी इसलिए कुल कीमत 40,000 की आप मानिए। थे। अभी तो ये तीन ही पकड़ में आए हैं, क्योंकि ये तीन ही एक साथ यहाँ पर दुकान पे गए थे, तीन ही एक साथ, बाकी अभी इनसे पूछताछ चल रही है, और भी देख रहे हैं कोई इनके साथ यहाँ पर आए हों या ये यहाँ किस मकसद से आए, अब पूछते हैं इनसे, वो तो जांच का विषय है कि इन्होंने और किसी दुकान में चलाए हैं, तो 40,000 के हो सकता है 50,000 होता है, 1 लाख हो, तो वो संख्या पर डिपेंड करता है कि यहाँ कब आए और कितने समय यहाँ रहे। Pizza Point, Kangor. For delicious moments.